किसानों के भारत बंद के आह्वान पर किसानों ने संयुक्त मोर्चा ने नारायणपुर में चक्का जाम किया और धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के किसानों पदाधिकारियों ने सोमवार को किसानों के भारत बंद का आह्वान पर बाईपास त्रिमोहानी नारायणपुर व पटेल त्रिमोहानी पर सड़क पर बैठकर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने पटेल प्रतिमा के नीचे सभा का आयोजन किया। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता प्रहलाद सिंह ने कहा कि तीनों काला कानून किसान विरोधी नहीं है बल्कि मजदूर छोटे व्यापारियों देश के समस्त उपभोक्ताओं के विरोध में है। विगत 10 मार्च से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर देश भर में किसान द्वारा धरना प्रदर्शन व आंदोलन हो रहा है जिसमें 750 से अधिक किसान शहीद हो चुके, फिर भी केंद्र सरकार संवेदनशील बनी हुई है। मौके पर पहुंचे एडीएम चुनाव रोशनी यादव को किसान नेताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसके पूर्व किसानों के संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने पटेल त्रिमोहानी स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बैनर पोस्टर के साथ बाईपास त्रिमोहानी तक नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। इसके बाद किसान धरना देकर सड़क पर ही बैठ गए जो लगभग आधा घंटा चला। इसके बाद किसान नेता पटेल परिसर में सभा का आयोजन किए। इस बीच कुछ किसान पुनः पटेल त्रिमोहानी पर वाराणसी मिर्जापुर मार्ग पर धरना प्रदर्शन करते हुए सड़क पर बैठ गए। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव, परशुराम मौर्य, अशोक दीक्षित, गोविंद सिंह, जमुना प्रसाद, विश्वनाथ सिंह सभी लोग उपस्थित रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक ट्रक पीएससी दमकल और कई थानों की पुलिस, तहसीलदार चुनार अरुण कुमार गिरी, सीओ चुनार रामानंद राय, प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार तिवारी, चौकी इंचार्ज नारायणपुर रविकांत मिश्रा, थानाध्यक्ष जमालपुर विजय कुमार सरोज मौके पर उपस्थित रहे। मिर्जापुर यूपी से ब्यूरो चीफ अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। आज जो 10 महीने से दिल्ली में धरना चल रहा है संयुक्त मोर्चा का चुनाव मोर्चा द्वारा, जो उसकी मांगे हैं कि काला कानून उसको वापस लिया जाए, एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जाए और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और डीजल पर सब किसानों को सब्सिडी दिया जाए और किसानों को 60 वर्ष से जो ज़्यादा हो जा रहे हैं उनको 10,000 रुपया महीने पेंशन दिया जाए और तमाम जो किसानों के मुद्दे हैं उसी को लेकर के आज पूरे भारत का आह्वान किया। अगर आप लोग की मांग नहीं मानेंगे तो आगे रणनीति क्या होगी? आप लोग आगे जो हम लोगों का संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान होगा वहाँ से उसके तहत हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज आप लोग किसको ज्ञापन देंगे? आज यहाँ हम लोग बैठे हैं, एसडीएम चुनार आ रही हैं, उनको ज्ञापन देंगे।